हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये नए डिजाइन का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स देखिए, पुरानी चुन्नी थी मेरे पास, सारी चुनिया मैंने मिला के और ये डिजाइन डाल के मैंने इसको बनाया है। अगर आपको डिजाइन सीखना है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने 30 फंदे से बनाया है। 30 फंदे से ये इतना बड़ा बना हुआ है। अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप इसको बना सकते हो, 40 फंदे से भी बना सकते हो। जितना बड़ा बनाना चाहो उतना ही बड़ा आप इसको बना सकते हो। आप देख सकते हो 30 फंदे से भी इसकी चौड़ाई काफी बड़ी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 7 नंबर की नीडल का मैंने इसमें यूज किया है। और देखिए, अब हम इसमें सिंपल ऐसे चुन्नियों की आप ऐसे पट्टी बना लीजिए, ऐसे हम सिंपल इसमें एक नोट लगा लेंगे। ये देखिए, नोट लगाने के बाद फ्रेंड्स, एक फंदा तो हम हमारा ये बन गया। ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे, 11, 12। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 30 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने 30 फंदे सिंपल डाल लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसमें हम उल्टा उल्टा ये रो बनाएंगे। फर्स्ट रो ये दोनों साइड से ऊपर तक उल्टा उल्टा ही हमने दोनों साइड से इसको बनाना है। फर्स्ट रो है, थोड़े से फंदे आपको टाइट लगेंगे ऊपर, फिर ये लूज हो जाएंगे, तो बहुत ही ये जल्दी जल्दी बन के कंप्लीट होगा। ये देखिए, इस रो को फ्रेंड्स मैं यहां तक उतार लेती हूँ। ये देखिए, एक रो हमने उतार ली इसकी। अब आ गए हम दूसरी साइड में। देखिए ये रो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ये सीधी तरफ से उल्टी तरफ से फ्रेंड्स मैंने इसको ये दो रो उतार ली हैं। जब हम ऐसे फंदे डालते हैं तो जो फर्स्ट रो होती है वो हमारी उल्टी साइड होती है। ये देखिए, ये आपको किनारी दिखाई देगी, ये हमारी सीधी साइड है। ये बेसिक रो हमने दो रो उतार के इसकी स्टार्टिंग कर ली है। अब अगली रो से अब हम इसमें अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पूरी रो मैंने उतार के दिखा दी फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने इसको बनाना है। ये देखिए, जब हमारी पट्टी एक खत्म हो जाए बनाते बनाते, तो हमने इसमें ज्वाइंट कैसे लगाना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। हम अपनी दूसरी पट्टी लेंगे और इसके अंदर ऐसे रख के ऐसे रोल रोल कर देंगे। ये देखिए, इस साइड से भी फ्रेंड्स हम इसको ऐसे ही, ये आप इसके अंदर ही ऐसे ले लीजिए। बहुत ही सफाई के साथ बनेगा और इसमें हमें नोट लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही हमारा ज्वाइंट आसानी से लग जाता है। और इस साइड फ्रेंड्स मैं इसमें 2 फंदे छोड़ दूंगी। अब हम इसमें
दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक जाएंगे। सारे रो ऐसे उल्टी बना लीजिए। एंड में हम इसमें दो फंदे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लाइन मेरी दो दो चार चार मैंने लाइन बनाई है, और ये जो ग्रीन की है ये देखिए, ये आपको तीन लाइन दिखाई देंगी। ये मैंने छह रो बनाई है। जब हम दो रो बनाते हैं, जब हमारी ये ऐसी एक लाइन बनती है। इस रो को मैं यहां तक फ्रेंड्स उतार लेती हूं। ये देखिए किनारे का फंदा फ्रेंड्स आपने ऐसे सीधा बनाना है, ध्यान से देखिए ऐसा सीधा बनाना है, और इस साइड से इसको हमने ऐसे ही उतारना है। सीधी साइड से हम इसको सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो किनारे की है जो बाउंड्री है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब देखिए दो फंदे हमने पीछे छोड़ दिए, दो फंदे मैं इस बार फिर यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए दो फंदे हम इस बार इसके छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। यहाँ पे फिर से हम अपना फ्रेंड्स इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। तो देखिए ऐसे हम इसमें अपना ज्वाइंट लगा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ इसका ज्वाइंट लग जाता है। देखिए किनारे वाले फंदे को आप सीधा बनाइए, धागा पीछे करके इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे छोटी सी बनने लग गई। अब यहां से फ्रेंड्स हम इसमें सेकंड कलर इसमें हम लगाएंगे। तो सेकंड कलर देखिए ये ग्रीन है, ये मैं ग्रीन लगा लूंगी। इसको भी आप ऐसे अंदर कर लीजिए और इस पट्टी को इसके अंदर ही ऐसे लपेट लीजिए। और इस रो को मैं नीचे तक बना लेती हूं। ये देखिए दो फंदे हम पीछे फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। बैक साइड से हमने कलर लगाना फ्रेंड्स। देखिए ये हमारी सीधी साइड है, इस साइड से हमने कलर अपना सेकंड इसमें लगा लिया है। मर्जी है आपकी, आप जितनी मर्जी आप ये चौड़ी पट्टी बना सकते हो, दो रो भी बना सकते हो एक कलर से, और चार भी बना सकते हो, और आप इसको डबल कलर में बनाना चाहो डबल कलर में भी बना सकते हो, आपकी अपनी च्वाइस है। तो मैं इस रो को यहां तक उतार लेती हूँ। देखिए किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक रो मैंने उतार ली है, एक रो मैं सीधी तरफ से उल्टी तरफ से उतारूंगी और दो फंदे मैं छोड़ दूंगी। तो मैं इस कलर की उतार लेती हूँ, फिर एक बार मैं अगला कलर और आपको ऐड करना इसमें बताऊंगी। ये देखिए इसके ऐसे ही इसको हम उतारेंगे और ये हम उल्टा उल्टा ऐसे ही
बना लेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं बाद में ऊपर का बताऊँ। ये देखिए इस कलर की भी मैंने चार रो बना ली है। अब हम इसमें ऊपर अपना एक कलर और यूज करेंगे। इसको आप ऐसे अंदर कर लीजिए, यहां से हम अपना एक कलर इसमें और लगा लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और इसको भी हम इसमें ऐसे लपेट लेंगे। और पूरी रो हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अपनी चॉइस से आप इसमें फ्रेंड्स लगा लीजिए कलर। अगर साड़ी आपके पास एक कलर की है तो एक कलर की साड़ी से भी ये आराम से बन जाएगा। ये देखिए ऐसे ही हमने सिंपल बनाना है, बस लास्ट में दो फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए एक कलर के फ्रेंड्स हमारे पास चार चार फंदे होंगे। इसको फर्स्ट वाले को उल्टा बना देंगे और ये रो मैं पूरी उतार के आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसे ही कलर लगाते जाएंगे और ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। जब मेरे पास ऊपर फ्रेंड्स छह फंदे बच जाएंगे उसके बाद हम ये ऊपर फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए ये पूरी रो हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। इसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए अब एक रो में उल्टी तरफ से उतारूंगी और एक सीधी तरफ से, दो फंदे में और छोड़ दूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लगाया, फिर ऑरेंज। और जब मेरे ऊपर यहाँ पे छह फंदे बच जाएंगे, ये मैं सारे ही फंदे कलर लगा लगा के बना लूंगी, पीछे छोड़ती जाऊंगी। उसके बाद हम ऊपर ये ऊपर जो मैंने फ्लावर बनाया है ये बताऊंगी कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ छह फंदे रहने तक, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए दो दो करके मैंने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। ऊपर ये मेरे पास ब्लैक धागा मैंने इसमें लगा लिया है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स एक मैंने ब्लैक बनाया है और एक मैंने ग्रीन बनाया है। आप यहाँ पे ये फ्लावर एक कलर से भी बना सकते हो और इसमें आप जितने मर्जी कलर भर सकते हो। छह फंदे हमारे पास बच गए हैं, ब्लैक कलर मैंने इसमें लगा लिया है। अब देखिए अब ये फंदे हम ऊपर के फ्रेंड्स एक एक करके फंदे छोड़ेंगे। ऊपर का जब हम फ्लावर बनाएंगे हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे, एक एक फंदे हम इसमें छोड़ देंगे। अब तक हमने दो दो फंदे छोड़े थे, लेकिन जब ऊपर के आपके फंदे बच जाएं, चार फंदे या छह फंदे या आठ फंदे, जितना भी आप बड़ा छोटा फ्लावर बनाना चाहो उतने ही आप ऊपर फंदे रख लीजिए। ये देखिए अभी हम ऊपर ऊपर का बनाएंगे, एक एक फंदा छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। ये देखिए मैंने दो फंदे छोड़ दिए। ये फ्लावर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कंप्लीट, हम इसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए देखिए तीन हमने छोड़ दिए, यहीं से मुड़ लिए, इसको ऐसे ही उतारा, इसको बना लेंगे, किनारे वाले को सीधा बना देंगे। ये देखिए अब देखिए अब हमारे पास ये ऊपर दो फंदे बच गए, यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे, इसको उतारेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इतना फ्लावर हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वापस फंदे अपने ऐड करेंगे। तो देखिए
और यहाँ पे आपको अगर गैप लगेगा तो एक फंदा आप बीच में से ऐसे उठा लीजिए और इसके साथ दो का एक कर दीजिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। एक एक फंदा ही हम इसमें ऐड करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और ये हम बना लेंगे, किनारे का सीधा बनाएंगे। किनारे का हर बार आपने सीधा ही बनाना है। अब देखिए, अब हमारे पास फंदे हो गए तीन, अब हम इसमें एक फंदा और ऐड कर लेंगे। ये देखिए, आसानी से फंदा बीच में से आप ऐसे उठा लोगे। और फ्रेंड्स, जो हम ये फंदा उठाते हैं गैप भरने के लिए, ये आप देखिए, ये फ्लावर के बीच में एक डिजाइन सा बन जाएगा और आपका गैप भी भर जाएगा। ये देखिए, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। एक एक करके हमने छोड़े थे, एक एक करके अब हमने सारे फंदे ऐड कर लिए हैं। ये देखिए, जैसे हमने फ्रेंड्स फंदे छोड़ने होते हैं हाफ फ्लावर बनाने के बाद, ऐसे ही हमने फिर उसको ऐड करना है, तो हमारी लाइन से लाइन मिल जाएंगी। एक और गैप के लिए उठाया और ये बना दिया। ये देखिए, अब इसमें फ्रेंड्स में ज्वाइंट लगाऊंगी। ऐसे खोल लेंगे पट्टी को, दूसरी पट्टी इसके अंदर रख लेंगे और हम इसको ऐसे रोल करके ऐसे कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये किनारे का फंदा मैं बना दूं, थोड़ी सी और बड़ा रखना फ्रेंड्स आप ये, ताकि जोड़ अच्छे से ज्वाइंट हमारा लग जाए, निकले ना। ये देखिए, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे, ये हम बना लेंगे। ये देखिए, एक बार और हम ये गैप के लिए फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे। ये देखिए, फ्लावर बनके हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। ये देखिए, और ये आप बाद में इसको फिनिशिंग करो जब काट देना, क्योंकि ज्वाइंट हमारा लग गया, ये निकलेगा नहीं, ये सारे ही आप काट दीजिए। ये देखिए, अब हम अपना इसमें जो हमारे आगे फंदे हैं, अब हम इसमें वो कलर इसमें लगा लेंगे। ये देखिए, ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स, हमारे यो कलर है तो ये कलर मैं अब इसमें यहां से ऐड कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपने वो ही कलर लगाना है जो आपके पीछे फंदे हैं, तो मैं यहाँ पे ये कलर इसमें लगा लेती हूँ। ये ब्लैक वाला हम अंदर कर लेंगे। ये देखिए, इसको आप ऐसे पक्का करिएगा, ऐसे इसको अंदर ले लीजिए और ये जो हमारा है इसको आप इसमें ही लपेट लीजिए, ताकि ये पीछे से भी फ्रेंड्स बहुत ही सफाई के साथ ये बने। ये देखिए, सेकंड कलर हमने इसमें लगा लिया। ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। अब फ्रेंड्स, गैप फिर से हम अपना गैप भरने के लिए फंदा उठाएंगे। आप इसी कलर का फंदा उठा लीजिए। ये देखिए, दो का एक करना मत भूलिए, नहीं तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर बार हमने गैपिंग के लिए फंदा उठाना है। ये देखिए, दो का एक किया, एक फंदा हम आगे से और ले लेंगे। दो दो ही फंदे छोड़े थे फ्रेंड्स, और दो दो ही फंदे हम इसमें अब ऐड करेंगे।
ये देखिए, और इसको हम बना देंगे। और एक कलर की हमने चार चार रो बनाई थी, तो चार चार रो ही हम इसमें बनाएंगे। ये देखिए, एक बार और देख लीजिए, दो हमने इस कलर के ऐड कर लिए, दो रो हमारी बन गई। अब हम चार चार हमने रो बना रखी है फ्रेंड्स, दो रो में और बनाऊंगे। ये देखिए, अब की बार हमने ये फंदे ऐड करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखिए, ये दूसरा लाइट कलर है, वो ब्लैक में साफ नजर नहीं आया था आपको। ये देखिए, ऐसे गैप भरने के लिए हम फंदा उठा लेंगे और आगे वाले के साथ दो का एक कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरा ही नहीं, और कोई भी अगर आप डोरमेट बनाओ और आपका बीच में आपको गैप नजर आए, तो आप गैप भरने के लिए ऐसे बीच में से फंदा उठा लीजिए, आपका गैप भर जाएगा। और ज्यादा गैप लगे तो आप दो फंदे भी उठा सकते हो, फिर आपने तीन फंदों का एक बनाना है। और अगर कम गैप है तो एक फंदा उठा लीजिए और दो का एक कर दीजिए। ये देखिए, इसको पीछे करेंगे और पीछे का आगे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाइन से लाइन मिल गई। अब मैं यहां से ब्लैक लगा लूंगी, एक रो में मैं ये फंदे ले लूंगी, फिर इन सीधी तरफ से उतार के फिर उल्टी तरफ से आएंगे, तो मैं दो फंदे और ऐड कर लूंगी, तो हमारी ये ब्लैक की यहाँ पे लाइन बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं सारा ही ये यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, ये सारे ही मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, ये देख सकते हो आप। अब ये देखिए, लास्ट के दो बचे हुए हैं, इनको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये जो भी आपका आए फ्रेंड्स, बाद में आप इसको काट दीजिए, क्योंकि हमारा ज्वाइंट लग जाता है, ये खुलेगा नहीं। तो देखिए, पूरी कली फ्रेंड्स हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये रो में पूरी ऐसे ही उतारूंगी। तो मैं इसको यहां तक उतार लेती हूं, उसके बाद आपको मैं अगली कली की स्टार्टिंग करके बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है मेरा। अब हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे, तो एक बार और देख लीजिए, सेकंड कलर फिर से हमने ऐसे ही लगाना है। ये देखिए, इसको आप ऐसे अंदर कर लीजिए, मर्जी है फ्रेंड्स आपकी, आप इसको अंदर करके पक्का हो जाएगा हमारा। आप इसको काट दीजिए, ऊपर जाके फिर आप इसको दोबारा से ज्वाइंट कर लीजिए। आप ऐसे थोड़ा सा इसको अंदर ले आइए और फिर आप काट दीजिए। अगर हम यहां से काट देंगे तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने अंदर करके इसको पक्का कर लिया। ये देखिए, ऐसे ही फ्रेंड्स हम इसमें दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आएंगे। ऐसे ही आपने अपनी कली की स्टार्टिंग करनी है, अपनी चॉइस से आप इसमें रंग भर लीजिए। ये देखिए, दो फंदे हमने पीछे जब ये ग्रीन बनाई थी तो इसके छोड़ दिए थे, दो हम ये इस बार ये दो फंदे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप इसमें फिर दूसरा कलर लगा लीजिए ऊपर, ये जैसे मैंने नीचे बनाए थे, और आप ऐसे ही इसको जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। कोई भी फ्रेंड्स इसमें बीच में होल नहीं आएगा। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से बनेगा। अभी मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं की है, ये सारे ही मैं फंदे ये चुन्नी के ये काट दूं, क्योंकि हमारा ये पक्का हो गया, मैं बाद में इसको सब काट दूंगी। तो देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसा लगा।
और अगर डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।